हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। और चलिए बढ़ेंगे आगे। बुधवार शाम से लगातार हो रही बारिश ने प्रदेश में कई जिलों में खड़ी और तैयार फसल को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन किसानों को अब चिंतित होने की जरूरत नहीं है क्योंकि सरकार ने किसानों को हुए नुकसान की भरपाई करने का आदेश दिया है। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की चिंता एक बार फिर से बढ़ा दी है। बुधवार को प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई। बुधवार की शाम से अचानक मौसम का मिजाज बदला और बारिश होने लगी। प्रदेश के कई जिलों में भारी ओलावृष्टि हुई जिससे गेहूं और सरसों की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। रोहतक में भारी ओलावृष्टि ने गेहूं और सरसों की फसल को तबाह कर दिया। राय में तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि ने किसानों की फसल को काफी नुकसान पहुंचाया है। राई और खरखौदा विधानसभा के गांव नहरी और आसपास के क्षेत्रों में भारी ओलावृष्टि की वजह से सैकड़ों किसानों की खेती में खड़ी फसल बर्बाद हो गई। बेमौसमी बारिश ने किसानों के अरमानों पर पानी फेर दिया। एक अनुमान के मुताबिक तकरीबन 1000 एकड़ की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। ऐसे में अब किसानों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। उसकी जो फलियां पड़ी है ओला लग जाएगा, वो फट जाएगी। और गेहूँ जो है उसके बाल आई हुई है, जिस बाल के ऊपर लग गया वो भी नुकसान है। तो पूरा नुकसान है? हाँ, बोले से जिस फसल के ऊपर लग गया उस फसल को पूरा ही पूरा नुकसान है। तो बहुत ज्यादा नुकसान है। आप तो देखा, सबने देखा है कि बिल्कुल ओला ही ओले पड़े चारों तरफ, धरती बिल्कुल सफेद हो गई थी। जैसे आपने देखा है कि गेहूँ की फसल है पकाई के ऊपर है, और दूसरी सरसों की जो फसल है वो तो पके चुकी है, उसके ऊपर जहाँ भी ओला लगता है वो सारे के सारी टूट चुकी है। और गेहूँ की फसल जो है वो उससे बिछ गई है। हवा भी तेज थी, पानी ओले आए हैं, फिर बारिश भी हुई है, उससे गिर जाएगी। और जहाँ पर भी जैसे उसमें छोटा जो दाना बन रहा था वो दाना बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ऐसे ही सरसों का हाल है, सरसों की डालियाँ टूट गई हैं, वो नीचे गिर गई हैं, फलियों के ऊपर जैसे भी ओला लगा है वो उसका पानी हो गया है। इससे पूर्ण रूप से देखा जाए तो लगभग किसान का 90% नुकसान हो गया है। तो कौन सी वो खत्म हो गया, सरसों खत्म हो गई, जो मुझे बिल्कुल किसान खत्म हो गया। कैसे गुजारा होगा? गुजारा तो गवर्नमेंट से बताऊंगी भाई, गवर्नमेंट करेगी इसका, दो सब आधार गवर्नमेंट करेगी। हालांकि प्रदेश सरकार की ओर से किसानों को हुए नुकसान की विशेष गिरदावरी कराकर उनके मुआवजे की भरपाई के आदेश पहले ही दिए जा चुके हैं, इसलिए किसानों को खास चिंता करने की जरूरत नहीं है। खुद कृषि मंत्री जेपी दलाल ने इस बात की पुष्टि की है। ओलावृष्टि से पूरे प्रदेश में बहुत सारे गांवों में बहुत नुकसान हुआ है, किसान सदमे में है। मैं खुद कई गाँव में आया हूँ, मैंने किसानों सिपाहियों से कहा है कि आप चिंता ना करें, इस आघात को सहो, हरियाणा सरकार आपके हर्जाने की पूरी भरपाई करेगी। और अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं कि गांव-गांव में जाके जो बीमित किसान हैं उनका बीमा के फार्म भरवाएं, और जो दूसरे बगैर बीमा के किसान हैं पटवारी उनके जाके उनकी गिरदावरी करें। स्पेशल गिरदावरी के ऑर्डर हमारे मुख्यमंत्री जी ने पहले ही कर दिए हैं, असेंबली में बोल दिया था, और जल्दी से जल्दी इनके हर्जाने की दिलवाया जाएगा। और हरियाणा सरकार जो है इस दुख की घड़ी में किसान के साथ। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने सिवानी मंडी के इलाके का दौरा किया। कृषि मंत्री ने खेतों में जाकर नुकसान का जायजा भी लिया। उन्होंने साफ कर दिया है कि मुआवजे की राशि उन किसानों को भी मिलेगी जिन्होंने अपनी फसल का बीमा नहीं करवाया है, और इसकी प्रक्रिया जल्द शुरू कर दी जाएगी। ये खबर किसानों को राहत देने वाली है क्योंकि किसान काफी परेशान है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और कुरुक्षेत्र से संवाददाता भरत सावरी हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। भरत, कुरुक्षेत्र में बारिश और ओलावृष्टि से कितना नुकसान पहुंचा है? देखिए, बरसात जो है कल देर रात से ही हल्की हल्की शुरू हो गई थी, और उसके बाद जो है धीरे धीरे बरसात रुक रुक हो रही थी। और देखिए, अगर ओलावृष्टि की बात करें तो धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में कहीं कहीं जो है ओलावृष्टि भी हुई है। और अगर फसलों के नुकसान की बात करें तो देखिए, फसल जो है अब अपने जो अंतिम पड़ाव फसल का होता है उस पर थी, और खेतों में जो है फसल पूरी तरह से लगभग ये लगाइए कि जो
जो उसका अंतिम चरण था उस पर थी, तो पेड़ जो थे अब वो खेतों में जो है बिल्कुल बुरी तरह से फसल जो है प्रभावित हुई है, और जो फसल के साथ जो पेड़ लगे थे वो बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं, तो उससे जो है किसानों के जो चेहरे हैं वो अब लटक गए हैं, क्योंकि किसान जो है अच्छी उम्मीद लगा रहे थे अब की बार फसल से कि उन्हें अच्छी आमदन होगी, पर एक रात की बरसात ने जो है उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। जी भरत, फिलहाल क्या मौसम है, क्या बारिश अब रुक गई है या फिर आने वाले समय में मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है, क्या तस्वीर और बदलेगी अभी? देखिए अगर बात करें फिलहाल के मौसम की, तो देखिए सुबह जो है बरसात थी पर अब जो है बादल छट गए हैं, धूप निकल रही है, पर फिर भी देखिए कहीं ना कहीं मौसम विभाग की तरफ से जो चेतावनी जारी की गई है उसमें आगामी दिनों में भी बरसात की आशंका जताई जा रही है। और देखिए जिस तरह से मौसम विभाग की तरफ से आशंका जताई जाती है तो किसान जो है वो चिंतित नजर आते हैं, तो निश्चित रूप से किसान अगर इस बात को सोचते हैं कि उनके सर से आफत टल गई है तो वो आफत अभी टली नहीं है, क्योंकि आने वाले जो 2 या 3 दिन है इनमें भी अभी बरसात के होने की संभावना जताई जा रही है। जी बहुत शुक्रिया भरत आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब आपको प्रदेश के 4 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर फतेहाबाद से आपको दिखाएंगे, जहां तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश हुई और इस बारिश ने लोगों के साथ साथ किसानों की भी परेशानी बढ़ा दी है। फरीदाबाद में बारिश के बाद सड़कों पर भारी जाम देखने को मिला, 2 दिन से हो रही बारिश के बाद सड़कों पर जलभराव देखने को मिला है। सिवानी मंडी में तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई, वहीं रतिया में भी भारी बारिश दर्ज की गई है।